खबर शामली से है। अनियंत्रित प्राइवेट बस खाई में गिरी है, 24 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 6 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बस में करीब 50 से ज्यादा सवारी थी। मौके पर डीएमएसडीए माला पुलिस अधिकारी मौजूद है। थाना भवन क्षेत्र के गंदेवड़ा के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर शामली से, बस के खाई में गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। 6 की हालत नाजुक है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर लोगों की भीड़ देखी गई। प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, राहत बचाव कार्य को देखते रहे। बड़ी खबर जुड़ी है यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के। निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। आज शाम तक या कल शासन को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट जमा होने के बाद जल्द ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का फॉर्मूला तैयार होगा और निर्धारित होगा। निकाय चुनाव में आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण, उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। आयोग ने पहले 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की मियाद दी थी, बात कही थी। आयोग ने निर्धारित समय से पहले ही रिपोर्ट तैयार की है, सूत्रों से यह पता चल रहा है। शासन को रिपोर्ट सौंपने से पहले अंतिम मंथन हो रहा है, यह भी जानकारी आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो जल्द ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण और आरक्षण के निर्धारण को लेकर ही 31 तारीख की जो मियाद थी उससे पहले ही रिपोर्ट तैयार हो सकती है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, ज्यादा जानकारी के साथ उन्हीं का रुक करेंगे। शैलेश, ये बताएं सूत्रों से क्या ये पुख्ता जानकारी और किस तरीके से समय से पहले अगर ये फॉर्मूला तैयार किया जाता है तो चीजें बदल सकती हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से लता, अगर आप देखें तो आयोग ने इस रिपोर्ट को तय करने के लिए, हमें आज भी ध्यान है, 28 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जब हुआ था 2022 में कि ये आयोग का गठन हुआ है, और उसके बाद में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 31 दिसंबर तारीख आपको हम बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, जब यहाँ पर जहाँ मौजूद है यहीं पर देखिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का ऑफिस बना हुआ है। ये सूडा की बिल्डिंग है, इसके अंदर ये ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बैठते हैं। यहीं पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो ये एक बात मीडिया से कही गई थी कि इतना लंबा काम है, इतनी बड़ी प्रदेश है, ऐसे में ये रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 31 मार्च तक का वक्त लग सकता है। लेकिन उसके बाद से जिस रफ्तार से आयोग की टीम ने काम किया, जिस तरह से लगातार सभी 18 मंडल के दौरों का काम किया गया, जानकारियां जुटाई गई, दिन रात लगातार टीम इसके लिए लगी रही क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण काम था, तो यही वजह रही कि समय से पहले ही इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है। पहले माना जा रहा था कि ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये रिपोर्ट कुछ कारणवश उसमें कुछ फाइनल होनी थी चीजें जिसकी वजह से रुकी थी, और अब ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। हमारी पुख्ता जानकारी है सोर्सेज से, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इस वक्त भी जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है वो ये अंदर, हम एक बार नजारा यहां से जरूर दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी हमारे मेहंदी हसन राजू हैं उनके साथ अंदर की तरफ हम चलेंगे और एक यहां से तस्वीर हम दिखाएंगे। ये अंदर देखिए क्योंकि वहां पर कुछ लिमिटेशंस हैं, हम वहां पर जाकर सब चीजें नहीं दिखा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बैठे हुए हैं लेकिन फिलहाल वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन जानकारी कन्फर्म है और आज मुख्यमंत्री से अगर समय मिला तो आज ही ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है। अगर किसी कारणवश आज ये रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो कल तक हराल में इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा वो आरक्षण जिसको लेकर आगे निकाय चुनाव कराए जाने हैं, जिसके आधार पर निकाय चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा। यानी ये मान लीजिए कि अब किसी भी वक्त रिपोर्ट जमा होने के बाद कभी भी निकाय चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है। बेसब्री से सभी राजनीतिक दल इसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद में ये मान लीजिए कि अप्रैल में चुनाव भी हो जाएंगे और जो पार्षदों के चुनाव हैं, जो मेयर के चुनाव हैं, उसके लिए ये पूरी जो वोटिंग की प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन टीम ने अपना काम, आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया। जो हमारे पास जानकारी आई सोर्सेस से, जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो पहले जब बननी शुरू हुई थी फरवरी के अंत की अगर हम बात करें तो लगभग 250 से 300 पेज के बीच तैयार हो रही थी, लेकिन जब उसमें डेटा जुटता गया, चीज़ें बढ़ी हैं, तो अब वो रिपोर्ट जो है 300 पेज से अधिक की, लगभग 350 से 400 पेज के बीच की ये रिपोर्ट तैयार हुई है सोर्सेस की माने। और अब ये रिपोर्ट
सौंप दी जाएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि किसका कितना आरक्षण प्रदेश में, किसकी कितनी जो है वो संख्या है, आरक्षण उसके हिसाब से ही तय होगा। चाहे वो पार्षद की सीट हो, चाहे वो महापौर की सीट हो, इन सभी सीटों पर। और जो समीकरण इससे पहले, क्योंकि जब मामला कोर्ट में गया था, जब सबसे पहले उस कोर्ट में जाने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होता है, जब आयोग, चुनाव आयोग इसको लेकर जानकारियां आगे करता है, तो उसमें जो निर्धारण किया गया था आरक्षण का, जिसके आधार पर निकाय चुनाव कराने की तैयारी थी, उसमें बदलाव भी होंगे। और देखिए, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है इन सभी चीजों को लेकर, कि जैसे ही रिपोर्ट सौंपी जाए उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाए आगे, ताकि समय से चुनाव कराए जा सके। क्योंकि पहले ही चुनाव में देखिए देरी हुई और उसके बाद में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको सामने लाना पड़ा, यानी प्रशासनिक अधिकारी बैठाए गए, जिससे अब काम चल रहा है निकायों का। लेकिन अब क्योंकि जो मेयर थे, देखिए उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। लेकिन अब बहुत जल्द चुनाव जो है उनका ऐलान किया जा सकता है, जिसके आधार पर जो राजनीतिक दल है, देखिए उनकी भी धड़कनें पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई थी, क्योंकि जब पहली बार ऐलान किया गया था इस मामले का कोर्ट में जाने से पहले, तो उस समय की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल अपनी तैयारी में थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने वोटर से संपर्क साध रहे थे, जो पार्षद थे वो लोगों से मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद में एक ब्रेक लग गया, जैसे ही मामला आरक्षण को चुनौती दी गई, कोर्ट में जाता है लगातार, उसके बाद सियासी जंग तेज हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। लगातार ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव में जो अड़ंगा लगाने का काम किया है वो समाजवादी पार्टी के रायबरेली से एक विधायक, उनके भाई की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसके आधार पर ये रुका था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो विपक्ष कह रहा था कि आरक्षण में गड़बड़ी थी, जिसके चलते ये सारी चीजें रुकी थी और इसीलिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसमें अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की जाती है। यानी कुल मिलाकर सियासी जंग तेज हो गई थी। लेकिन अब वो रिपोर्ट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो रिपोर्ट 700 से ऊपर जो निकाय है उनके आरक्षण से जुड़ी हुई रिपोर्ट बहुत जल्द अब शासन के पास होगी। आज शाम से कल तक इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। 6 महीने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और ये माना जा रहा था कि पहले रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद उसका एक फॉलो अप एक्शन होता है। तो ये चीजें होनी थी। और आपको हम बता दें, अब से कुछ देर पहले ही यहां पर जब हम पहुंचे थे तो अंदर, क्योंकि देखिए एक्सेस नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि अंदर मंथन चल रहा था, उस रिपोर्ट को जब फाइनल किया जा रहा था, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष हैं राम अवतार सिंह जी, वो रिटायर्ड जस्टिस हैं हाईकोर्ट से रिटायर्ड। इसके अलावा जो बाकी 4 सदस्य, उसमें जुडिशरी के लोगों को रखा गया रिटायर्ड, इसके अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया, जिन्होंने देखिए एक और सदस्य जो है वो यहां पर हम आते हुए देख पा रहे हैं, महेंद्र सिंह जी रिटायर्ड IAS जो है वो भी यहां पर इस समय आ गए हैं। आप भी इसी आयोग के सदस्य, और अंदर की तरफ जाते हुए समय तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, लगातार जिस तरह से रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा था, यहाँ पर अभी अभी एक और सदस्य जो इस आयोग के हैं, 5 सदस्य ये आयोग है, और दिखाई दे रही है अभी आपसे बातचीत करने के दरमियान ही दिखाई दे रहा है कि काफी हलचल है, आवाजाही है। ऐसे ये बताइए कि सीएम से मिलने के लिए जो वक्त होता है उसको पहले से लिया जाता है, उधर से कोई सुगबुगाहट है कि क्या टाइम मांगा गया हो? देखिए अभी फिलहाल क्योंकि अंदर चीजें और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से सारा काम चल रहा है, कोई भी जानकारी जब तक रिपोर्ट सबमिट ना हो जाए, बाहर ना आने पाए, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। इसीलिए कोई भी बातचीत करने के लिए फिलहाल इस मामले में तैयार नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए कि अंदर जिस तरह से अभी चीजें हम देख पा रहे हैं वो यही है कि वक्त के लिए संपर्क किया जा रहा है शासन में अधिकारियों से, और इसके बाद में क्योंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहे, वहां से उनकी वापसी हो रही है, तो ऐसे में किसी भी वक्त अगर शाम का वक्त मिलता है, और ये मानकर चलिए क्योंकि खुद सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस काम को अमली जामा पहनाया जाए, जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाए, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि आज ही वक्त मिल सकता है संपर्क करने के बाद, और उसके बाद में आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इस रिपोर्ट को अभी हम जब बात कर रहे थे आपसे तो हम आपको बताया अंदर ये चर्चा चल रही थी कि एक बार फिर से रिपोर्ट को देखा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था कि सब चीजें फाइनलाइज हैं, क्योंकि देखिए फाइनल रिपोर्ट सौंपी जानी है, उसमें कोई कहीं पर कमी तो नहीं रह गई, तो एक
फाइनल, क्योंकि अभी देखिए बीच में होली की छुट्टियां भी पड़ गई, ऐसे में जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो भी होली के त्यौहार में थे। उसके बाद आज जब ये लोग वापस आए तो इन लोगों ने उसके बाद आज इस पर मंथन शुरू किया। सब चीज़ों को देख लिया गया कि हाँ ये रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है, अब इसको सबमिट किया जाना है और अब फाइनली ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी शासन को। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि अब नेक्स्ट अपडेट कब आती है, क्या आती है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि मंथन के बाद जैसा आप बता रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री से वक्त मिला तो बहुत जल्द तारीखों पर बात आके टिकेगी, तारीखों का या फिर निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जो कि काफी अहम है 700 निकायों के मद्देनजर इतने बड़े प्रदेश के लिए अहम जानकारी रहेगी। शुक्रिया शैलेश जानकारी। बात करते हैं गाजीपुर से आई खबर की। जाति विशेष के लोगों पर मारपीट के मामले में केस दर्ज हुआ है और भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर पर भी मारपीट हुई थी और इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। होली के दिन किसी बात को लेकर ये मारपीट, मारपीट के बाद जाति विशेष के लोगों ने हमला बोला। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर पर हमला बोला था। पूरे मामले पर केस दर्ज किया गया है, मामले में 8 लोगों के खिलाफ। होली के मौके पर सांसद के घर के बाहर मारपीट करने का आरोप। इससे पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि समाजवादी पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती तक में हर जगह घोटाले और गड़बड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलनी चाहिए। अपने उद्भव काल से ही भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही है। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे, जिसको सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित किया था। जो 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल ने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।